मुरादाबाद मंडल में बंद पड़ी शुगर मिल्स को चालू करने और गन्ने का बकाया भुगतान को लेकर आज भाकियों के कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने अंबेडकर पार्क से मंडलायुक्त कार्यालय तक अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अपनी सभी मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसान मंडलायुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसान आज ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अम्बेडकर पार्क पहुँचे, जहाँ से गन्ना किसान अर्धनग्न होकर मंडलायुक्त कार्यालय पहुँचे और धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि मंडल में जो शुगर मिल्स बंद पड़ी हैं, उनको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, साथ ही पुराने गन्ने के बकाए भुगतान किसानों को मिलना चाहिए। साथ ही धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसान शहर के नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर देंगे और तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। चीनी मिलें शुरू करने के लिए 25 अक्टूबर तक समय दिया था, जबकि मंडलायुक्त ने 30 तारीख तक का समय दिया था, लेकिन मंडल में किसी भी चीनी मिल से धुआं निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। वादा किया था चुनाव में कि किसान की लागत का 1.5 गुना हम मूल्य फसल का बाजी दाम देंगे, लेकिन आज तक बाजी दाम जब किसान को मिलता, इस सरकार ने गन्ना मूल्य रेट घोषित करने का काम नहीं किया। इस सरकार ने अपनी निजी चीनी मिलें चलवाने का काम नहीं किया, सरकारी चीनी मिल चलवाने का काम नहीं किया। सरकार का एजेंडा है कि 10 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का धुआं बाहर होगा, लेकिन धुआं अंदर भी नहीं है। और किसी भी प्रशासन का, इस सरकार का कोई पालन, कोई अमल इसमें नहीं हो रहा। आज गन्ना किसान ही अपनी बात कहने के लिए आए हैं, लेकिन जाएंगे जब यहाँ चीनी का इंडेक्स जारी हो जाएगा और चीनी की पर्ची वितरण हो जाएंगी। भारतीय किसानों का वो संगठन है जो इस सरकार ने वादा जो किया था कोई पूरा नहीं किया, किसान पर कर्ज बढ़ाने का काम किया है। अगर किसान को गन्ना एक्ट में गन्ना नियम में अगर ब्याज मिलता तो गन्ना समिति का किसान ब्याज देने का काम करेगा। ये सरकार नहीं, ये सरकार किसान विरोधी है। इसका विरोध सड़क पर उतर कर होगा। हमारे बीच में डॉक्टर नरसिंह जी भी हैं।